हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रेखा अग्रवाल पर। तो गाइस, आज हम सूप बनाएंगे और मिक्स वेज सूप बनाऊंगी मैं। ये देखिए, इसके लिए मैं एक कुकर चढ़ा देती हूँ और कुकर में बना लेंगे, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो इसके लिए गाइस मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। सब्जियाँ हम वैसी सब्जियाँ लेंगे जो हेल्दी होती हैं। तो गाइस उसके लिए देखिए, मैंने ये ब्रोकली ली है, ये कटी हुई सब्जियाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। एक कप ब्रोकली है, एक कप फ्रांस बीन है, एक कप गाजर है कटी हुई, और एक कप पत्ता गोभी है, और एक कप है मटर, और एक कप हम इसमें ये देखिए स्वीट कॉर्न है, ये डालेंगे। तो गाइज आप अपनी मर्जी से अब कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। दो सब्जियों से भी सूप बन जाएगा, तीन से भी, चार से भी, जो आप सब्जियां लेना चाहे ले सकते हैं। पर ये इसमें फूल गोभी वगैरह नहीं डलती हैं। एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे सारी सब्जियाँ। ये देखिए गाइस, एक चम्मच के करीब हम इसमें बटर डाल देंगे। और ये देखिए, एक मैंने प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का, और बटर को मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे, इसमें हम प्याज डाल देंगे, तुरंत डाल देंगे बटर के साथ ही। इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती गाइस सब्जियों की तरह, तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही करेंगे सिर्फ। ये देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, और ये देखिए एक चम्मच नमक डाल देंगे। तो गाइज मैं आपको बिल्कुल होटल जैसा सूप बनाना सिखा रही हूँ, हमारे होटल में इसी तरह से सूप बनता है। तो गाइज इसमें डलता है अरारोट, अगर हम चाहें तो उसको डाल सकते हैं, उसको सिर्फ गाढ़ा करने के लिए हम डालते हैं ताकि सूप हमारा अच्छा लगे। वो ज़रूरी नहीं होता गाइज, हम इसको स्किप कर सकते हैं और भी हेल्दी सूप बनेगा। जो पहले जो मैंने मिक्स वेज सूप सिखाया था तो उसमें मैंने अरारोट डाला था, कॉर्न है ये भी मैंने डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम ढेर सारा पानी डालेंगे। तो अगर हम ज़्यादा गाढ़ा सूप चाहते हैं तो पानी कम डाल देंगे, अगर पतला करना है तो हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। उबली हुई सब्जियाँ खाएंगे तो हमारा वज़न भी घटेगा, और एक्सरसाइज किए बगैर ही हमारा वज़न घट जाएगा। और गाइज इसमें हम काट देंगे छोटी सी अदरक बारीक, क्यों बस इतनी सी डाल देंगे, 2 से 3 सीटी हम लगवा लेंगे फिर इसमें, और जल्दी से सूप हमारा बनकर तैयार हो जाएगा कुकर में, इसलिए मैंने कुकर में बनाना आपको सिखाया है। तो गाइज ये देखिए 3 सीटी आ गई हैं, और अब हम गैस को बंद कर देंगे। सूप हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसको 2 से 3 मिनट बाद हम खोलेंगे ठंडा होने के बाद। गैस कुकर हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको खोल लेंगे हम। झेरनी ले लेंगे और इसी से हम सूप को इस तरह से चलाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा और सारी सब्जियां हमारी इसी में मेल्ट हो जाएंगी। मैंने इसमें 6 कटोरी सब्जियां डाली थी तो 6 कप सूप बन गया है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब विनेगर डाल देंगे, और अब हमारा सूप रेडी है। मैंने इसमें अरारोट नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें 1.5 चम्मच अरारोट डल जाएगा। तो गाइस ये देखिए हम सर्व कर लेते हैं अब इसको जल्दी से, कितना अच्छा सूप हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप इसको घर पर बनाकर ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। मार्केट के जो सूप होते हैं गाइस उसमें सिर्फ अरारोट होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। 1 कप बाउल में 1 से 2 चम्मच सब्जियाँ ही निकलती हैं। तो अगर हम घर का बना हुआ सूप पियेंगे तो उसमें काफ़ी सारी सब्जियां हम खा पाएंगे, हेल्दी होती हैं सब्जियां। और ये देखिए अब मैं इसमें फ्रेश फ्रेश मलाई डालूंगी, अगर आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइस ये देखिए मेरा तो सूप बनकर तैयार है, और बनाइए आप भी इसी तरह से और खाइए, इंजॉय कीजिए।